आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, बेटे के साथ स्क्रीन शेयर करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था. एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीन व्हेन वी विल बी टुगेदर ऑन द स्क्रीन. और मैं तो एक बार, हमने होटल रूम में भी रिहर्सल तो की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डायलॉग बोला तो मैं उनको देखती ही रह गई एक बार. एंड देन ही सेड, इतना अच्छा बोल रहा है मेरा बेटा. मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है. ओके, अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ मैं. देन ही हैड टू से ओके नाउ यू से योर डायलॉग मॉम. मुझे करना है. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आप हमेशा से एक्टिंग में आना चाहती थी, कभी थिएटर वगैरह थोड़ा बताएं? नहीं, कभी कभी सोचा नहीं मैंने. मैं सिर्फ इंस्पायर किया था. एक्चुअली मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं. मैं तो 37 ईयर से हाउस वाइफ, और मैं बस, मुझे फिल्में देखने का, फिल्मों के बारे में पढ़ने का, प्लेस देखने का, ये सब मुझे बहुत शौक है, बचपन से ही शौक था. तो नमित थिएटर में हैं, फिल्म्स हैं, तो वो कभी भी कोई काम करते हैं तो मेरे साथ लाइनें रिहर्स करना, या मुझे स्क्रिप्ट दे दी कि मम ज़रा पढ़ के देखो कैसा लग रहा है आपको, तो वो एक बॉन्डिंग हम दोनों का है. तो मुझे वो सब चीज़ में बहुत शौक है, लेकिन वो शौक ऐसे कल्मिनेट हो जाएगा ये तो. मैंने ऑडिशन भी मैं मस्ती में देने गई थी कि कल को मैं अपने पोता पोती को बता सकूँगी कि दादी ने ये भी किया था, यू नो. तो मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कर लेंगे ऑडिशन, देखते हैं क्या होता है इसमें. कैन आई से समथिंग? यू नो व्हेन अम्मा वुड रीड, तो पहली बार जब हम लोगों ने रीडिंग करी थी, हम सब के लिए पहली बार, हम सब एक दूसरे को मिल रहे थे. अनुष्का ने रीडिंग कराई थी. मैं भी ये बता सकता हूँ, उसको बिल्कुल फेथ नहीं था आई थिंक मुझ पे इनिशियली. व्हाट ट्रम्पेट, कैसे करोगे तुम? मैं देखूं, शरद इज समबडी हु इज वेरी कीन दैट, स्पेशली इन फिल्म, जो बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने अभी देखा है और आप लोग भी अग्री करेंगे कि हम लोग एक्चुअली लग रहे थे कि हम एक परिवार के लोग हैं. सो ही वॉज वेरी क्लियर, एंड नॉट मी, दैट यू शुड हैव अ रीडिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स टुगेदर. एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे को मिल भी रहे थे. एंड अम्मा व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग, आई वुड फॉरगेट टू से माई लाइन्स बिकॉज आई वॉज सो लाइक यार हाउ गुड इज दिस एक्टर. And then asked Sharad, I was like, this actor is very good. Yeah, now what? Tell me now, what's the other thing that she's done in theater? Kiya, and he's like, kuch nahi, pehli baar aayi hai. And then, so I was like, I will protect her with my life through this film. I became so protective about her then throughout the film. Hamper mat karo. Matlab, I was like, inko to main bacha ke rakhungi because. You know, one very funny thing was that jab hum log ne shuru kiya shooting, to Raghu ji aur main mante nahi the ki inka pehla film tha. Believe hi nahi hota tha. Nahi. हम लोग मान ही नहीं रहे थे. हम लोग लगा झूठ बोल रही है शायद कुछ. पहले दिनों ने इतनी दहशत पैदा कर दी थी कि अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे. ये सब अभी भी मुझे एनकरेज कर रहे हैं. बट या सीरियसली शी इज अ स्पेशल टैलेंट. वारुण एंड अनुष्का, हाय, हाउ आर यू? यू लाइक टू कीप योर परफॉर्मेंस लिटिल रेस्ट्रेंड, द काइंड ऑफ रोल इट वाज, एंड लाइक अनुष्का जस्ट सेड, आई एम नॉट व्हाट आई एम प्लेइंग, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ लाइक यू नो. Keep restraining yourself in your. Was I restrained? I mean, I. So I think. Playing a character, he was playing a character who was more out there. My character was obviously someone who was very restrained. और I think शरद की एक खासियत है कि वो कुछ 10, 11 या कभी-कभी 12 take कर लेता है, तो ज़्यादा 15 भी जाता है. तो जब तक आप वो last take तक आते हो, तो इतनी energy चली गई है कि 20, अच्छा 20 बोल रहे हो? अच्छा 20, 21. अच्छा 21 टेक कर लेता है वो कि इतने बहुत सुपरस्टिशियस हैं. 11, 21, 51 इस तरह से चलते हैं. उठपटांग नंबर शिफ्ट है वो. एक्चुअली बहुत धार्मिक है वो, आज आए भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि उनको लग रहा है कि पिक्चर कुछ हो ना जाए उनके शक्ति से, तो इसलिए वो देश के बाहर चले गए. पर जहाँ पे भी है वो, मैं बस शरद जी के लिए यही कहूँगा कि बहुत स्पेशल टैलेंट है. वो थका देते थे हमें, तो जो थकान आप फिल्में देख रहे हो वो जेन्युइन थकान है, दैट्स नॉट फेक. अनुष्का साइकिलिंग कर रहे हैं वो, हम लोग असली में हमारी हालत खराब हो गई है. कर रहे हैं, किसी ने हमको बोला ये ज्यादा तो नहीं लग रहा, हमने कहा ज्यादा हमारी हालत उससे खराब तो हम अपनी थकान को छुपा रहे थे, हमको इतना दिख रहा था. आई वाज सो कॉन्फिडेंट क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मैंने, मतलब पूरा क्लाइमैक्स जो है वो रेस के ऊपर है, ट्रायथलॉन, तो मैंने साइकिल किया था अगेंस्ट सिद्धार्थ. सो आई सेड यार मैं कर लूंगा साइकिल, यू नो आई एम गुड एट साइकिलिंग, मैं कर लूंगा. पर आई डिडंट नो इतना साइकिल कराएगा, मतलब कंडीशंस भी उसने ऐसे कर दिए थे, ऊपर से मतलब पानी भी नहीं देता था कभी कभी. मतलब धूप में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो बोलता था नहीं एसी नहीं दूंगा मैं, छाता नहीं दूंगा, डोंट गिव द एक्टर्स, एडीज को बोलता. तो हम लोग क्यों, हम लोग मतलब क्या गलत क्या किया हम लोग ने यार.
हिट फिल्में दिए पास्ट में, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है? नहीं 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 ये सब मत दो, बिगड़ जाते लोग, बिगड़ जाते हो, खुद जाके बैठा है भार्गव में। बाहर गांव की बात की आप लोगों ने, लेकिन फिल्म का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हुआ और यही वजह कि हम लोग मिले हैं 100 करोड़। नंबर्स कितने मायने रखते हैं वरुण अनुष्का आपके लिए और बाकी टीम के लिए? अब आपके लिए, आपकी तो पहली फिल्म है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अम्मा टू आंसर। अम्मा ऐसे बोल रहे हैं ये लोग कि जो है 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पास हो गया है, हो गया है पूरा वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए मिल गए हैं, उसमें से हमारी कुछ हमको कुछ नहीं मिलेगा अम्मा। कोई बोनस तो मेरा नंबर बढ़ेगा तो और भी अच्छा लगेगा। You know, true when you all ask. But this is so true. जब भी हम लोग press con पे जाते हैं, you know when people, अनुष्का ने तो मतलब 300 crores business किया, and then people ask you कि 100 crore किया है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने कभी 100 crore जिंदगी में देखे ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो मिलते ही नहीं है। अम्मा हमको कुछ ना मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ ना मिलेगा अम्मा। अच्छा है फिर, रोटी के लाले पड़ गए अम्मा, तो और बढ़िया हो जाता, वरना भी सब बढ़िया ही है, वरना भी सब बढ़िया ही है। बट कैसे लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है पहली फिल्म में, हाउ डू यू फील? अभी तक फीलिंग आया नहीं है, सिंक इन नहीं हुआ है अभी। रघु जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस 100 करोड़ क्लब, ये सब जो बातें होती रहती है, आपको कैसे लगता है इसके बारे में? मतलब आपने तो बहुत फिल्में की है, तो क्या लगता है आपको जब ये सब आपको सुनाई देते कि आपकी किसी फिल्म ने इतना अच्छा किया? अच्छा किया मतलब बहुत दिनों बाद जब अच्छा सुनो ना, ये बंद है मेरे ख्याल से, बहुत दिनों बाद जब अच्छा सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको तो हमेशा अच्छा ही कहते हैं लोग, हर फिल्म में अच्छा ही करते हैं। पता नहीं, मैंने सुना नहीं, कभी ऐसे देखा नहीं, कभी कभी मिलता है देखने सुनने, बहुत हम्बल भी है। लेकिन वाकई छोटी छोटी जगहों पे जो फिल्म को लाइक किया जा रहा है उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो जिस तरह की कहानियां हैं, जिस तरह के कस्बों में और गांव में जिस तरह की कहानियां हैं, इस फिल्म से और भी कहानियां और भी अच्छी फिल्म बननी शुरू हो जाएंगे, इस बात से ये जाहिर होता है, इतना ज़रूर कहूँगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि इंडियंस बेसिकली सेम है, आज भी परिवार और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं अपने बच्चों, अपने माँ बाप दोनों के साथ, और उसमें कोई शर्मिंदगी आपको नहीं हो रही है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, ये बहुत ज़रूरी है, इवन आज भी बहुत ज़रूरी है। यू नो आई ऑल्सो बिलीव दैट फैमिली विल ऑलवेज कम फर्स्ट इन इंडिया, परिवार हमेशा पहला आएगा सबके लिए, और इसलिए हमारा देश इतना शक्तिशाली है एंड एकजुट है बिकॉज ऑफ दिस, आई फील। ट्रू, वेरी ट्रू। Varun, hi. Hi, how are you? Hi, how are you? Congratulations on the success of the film. And to follow up ma'am's question that she asked Anushka, you know, even your performance has obviously been appreciated a lot. There's a lot of buzz even about maybe a lot of awards coming your way, also probably a national award as well. So what do you feel, just a follow-up to what Anushka has done? I mean, I don't know how to react actually jab log aise baatein karte hain, kyunki mera career thoda फ़नी रहा है अब तक। बिगनिंग में जब शुरुआत की थी तो लोग चॉकलेट बॉय बोलते थे, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, बोलते थे बॉडी है तो चल रहा है। और अभी 6th ईयर में आते आते एटलीस्ट दिस ईयर हैज़ बीन सच दैट लोगों ने सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है, तो बहुत इनकरेजिंग है ये मेरे लिए। बट मैं तो बिगनिंग से ही, मतलब बिगनिंग से ही मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, शायद लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग गया, बट नो आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। आई थिंक ऑडियंस मतलब सर आँखों पे, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। एंड जेन्युइनली अगर लोगों को लगता है कि फिल्म अच्छी है, फिल्म को अवार्ड मिले, फिल्म के कैरेक्टर्स को अवार्ड मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर फैंटास्टिक इन द फिल्म। अनुष्का ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म में, वो जिस तरीके के इंसान है, टू वॉच शी हाउ शी इज़ डन एज ममता इज really commendable, and I mean I hope that she will be up for the big awards this year all around, but a national award for a film like Sui Dhaga, for it to get recognized on that platform will be really nice if that can happen. Yes, that was a lovely answer, Varun, and we hope always that you get all the awards in the world.